पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंद्रह जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ की सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री के साथ कुंभ मेले के लिए 857 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर एक और मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी रहे। हालांकि प्रयागराज में मुख्यमंत्री के साथ उनके कई कार्यक्रम रहे, जिसमें सर्वप्रथम कुंभ मेले के लिए 617 करोड़ की 5 और 240 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया। इसके साथ ही दोनों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल एटीएम का शुभारंभ करके कुंभ मेला क्षेत्र में तैनात स्वच्छाग्रही और स्वच्छता कार्य को सम्मानित भी किया। उप मुख्यमंत्री के प्रयागराज के खुसरो बाग के उद्घाटन के उपरांत चंद्रशेखर आजाद पार्क में अमर उजाला द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सेतु मानव श्रृंखला कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। खुसरो बाग के सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यकरण के लिए 12,64,10,000 रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय वट दर्शन मार्ग का लोकार्पण और अक्षय वट का दर्शन किया। अरे सेल्फी वाले हटो यार। I'm going to go to the hospital.